some of it. The same community who died, how much for each other? सर गारंटियों के लिए केरोस कहते हैं कि हमारी गारंटी को जो है प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है और हम खुद गारंटी दे रहे हैं, जबकि आज जो है साफ गारंटियों की जो उन्होंने फैट दिया था चुनाव आयोग को रोक लगा दिया। देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति की खुद की ही गारंटी न हो, इसकी गारंटी पर मतदाता भला क्या विचार करेगा बताइए। हमने कोई गारंटी करे बगैर लिए बगैर देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, मुफ्त अनाज पहुंचाया है, 200 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया है, शौचालय पहुंचाया है और स्वास्थ्य का 5 लाख तक का सारा खर्चा सरकार ने उठाया है। गारंटी पर किसकी भरोसा करना वो राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। गहलोत साहब का खुद का कोई गारंटी नहीं है, वो भला क्या गारंटी है? सर 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 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर गारंटी जो अगर बीजेपी को वोट जाए या अगर गलत वोट चला गया तो कितनी भी स्कीम जो भी चलाई जा रही है वो बंद कर देगी आने वाली सरकार। ये सारी स्कीमें अंतिम 6 महीने में क्यों चलाई गई? मैं विनम्रता के साथ अशोक गहलोत जी को पूछना चाहता हूँ, 5 साल तक क्यों नहीं चलाई? जब आपको बढ़क लग गई कि आप जाने वाले हो, सारी स्कीमें यार चालू कर दी। ये इन्होंने सोच समझकर अंतिम समय पर स्कीमें चालू की है। राजस्थान की जनता इसको अच्छे से जानती है। सर अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास की बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलावा बाकी सब चीजों पर बात करती है। मैं उनको पूछ रहा हूँ कि विकास के लिए उनकी जब केंद्र में सरकार थी कितना रुपया दिया है? नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं। सर सर सांसद सर देखिए, ये इनका भ्रष्टाचार को सिद्ध करने का एक जवाब है। इस देश में कोर्ट है या नहीं है? अगर गैरकानूनी तरीके से हुआ तो तुरंत कोर्ट में चला जाना चाहिए। सर कल रवि का रोड शो था, उसके बाद एक इलेक्शन आया आदर्श नगर विधानसभा से, वहां उम्र दराज चुनाव लड़ने थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। ऐसे विधानसभा से क्या सवाल? मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे सवाल नहीं होते। वो गई बात आपने पूछ लिया ना। क्या माइनॉरिटी? देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो हो ही नहीं सकता, और अगर कोई करने का प्रयास करता है भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। और गहलोत साहब को तो करना ही नहीं है क्योंकि वो जीत कर ही नहीं आए। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबा कर रखा? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी किस पार्टी ने विरोध किया? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था। और आज तक 70 साल कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दी। राहुल गांधी जी को कुछ एनजीओ एकाध दो चीजें पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है, तब तक वो ही बोलते रहे। बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, वो सब जानते हैं कि राजस्थान का बंटा था इसी चेहरे में। वो तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे ना, मैं नहीं तय करता। हमने हमारा घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य संस्कृति खड़ी की है कि हम जो संकल्प लोगों के सामने रखते हैं वो हम पूरा करते हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक समाप्त, कठिन से कठिन संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। राजस्थान का गृह मंत्रालय तो उनकी साथी है, खुद साथी सर्च कर कैसे आरोप कर देते पूरे राजस्थान में सिचुएशन चेंज हो गया है। मेरी बात मानकर चलिए, राजस्थान के हर कोने में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीती। चलिए आप सवाल करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।